मेरा नाम डॉक्टर सदफ अशमत है और मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में एज अ डेंटिस्ट काम करती हूँ। ब्लीडिंग गम्स या मसलों में से खून क्यों निकलता है, अक्सर लोग पूछते हैं। ये देखिए, मेनली या तो पेशेंट में अगर विटामिन सी की कमी है, जो हमको यूजुअली ऑरेंजेस, लेमन, आंवला जैसे चीज़ों से मिलती है, अगर ये हम कम खा रहे हैं तो उस वजह से हमको एक डिसीज़ हो सकती है कॉल्ड स्कर्वी, जिसमें गम्स में से खून निकलना शुरू होता है। और एक उससे भी मेन रीज़न ये है कि अगर आप दांतों का की हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करें, उसमें अगर कचरा जमा रहे और आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, आप ब्रश सही से नहीं कर रहे, आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाके चेकअप नहीं करवा रहे, क्लीनिंग नहीं करवा रहे, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपके गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से खून निकलना शुरू होता है। और ये सिर्फ खून निकलने से शुरू होता है, लेकिन आप उसको और अगर नेगलेक्ट करें तो आपके दांत वक्त से पहले हिलने भी लगते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। इन्फेक्शन और जब ज़्यादा बढ़ता है तो दांतों के अंदर जो हड्डी होती है वो गलने लगती है, जिसकी वजह से आपके पूरे दांत वक्त से पहले हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं और आपका फेस का पूरा अपियरेंस बदल जाता है उसकी वजह से। कितने टाइप के डेंटल ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं? यहाँ ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में हम लोग मैक्सिमम डेंटल ट्रीटमेंट्स कवर करते हैं, जैसे कि स्केलिंग विच मीन्स दांतों की क्लीनिंग करना, रूट केनाल ट्रीटमेंट्स, फिलिंग, एक्सट्रैक्शन मतलब दांत अगर बहुत सड़ गया या कुछ छोटे पीसेस ही दांत के अगर बच गए तो उनको निकालना, अगर दांत नहीं है तो वहाँ पर परमानेंट दांत फिक्स करना, या कुछ लोग परमानेंट प्रेफर नहीं करते तो उनके लिए रिमूवेबल लगाना, जिसको आम जबान में चौकड़ा कहते हैं, वो लगाना, इम्प्लांट्स प्लेस करना, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल पे अवेलेबल हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन नंबर पे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM यहाँ अवेलेबल रहती हूँ। हिट टीवी ऐप, ऑल द सक्सेस फॉर देयर लॉन्च। प्लीज डाउनलोड द ऐप। डाउनलोड द हिट टीवी ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। डाउनलोड द ऐप नाउ।